दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के ऑनलाइन फॉर्म की लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके अंत तक देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, 25,271 जो पद निकले हैं जीडी कांस्टेबल के लिए, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 अगस्त 2021 है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। दोस्तों सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली भी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो गूगल में ssc.nic.in टाइप करने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारी वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और हमारे इस पेज पर विजिट करके एसएससी जीडी की आप कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर क्या यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है, सभी यहाँ पर आप देख सकते हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ, सभी के लिए वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल के लिए। सैलरी क्या यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, शुल्क आपको क्या जमा करना होगा, फिजिकल इसमें क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, क्या डेट है। और साथ साथ दोस्तों इस पेज के एंड में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया हुआ है, यहीं से आप रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या फिर लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करके लॉग इन करने के बाद में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर विजिट कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर, ssc.nic.in का ये ऑफिशियल पोर्टल है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑफिशियल यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा ssc.nic.in पोर्टल का। यहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, 17 जुलाई को जो कि अपलोड की गई है, लेटेस्ट न्यूज का सेक्शन है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स इसमें दी गई है। जी हाँ दोस्तों, हमारा आपसे यहाँ पर अनुरोध है कि अप्लाई करने से पहले आप ये पूरी पीडीएफ हिंदी में पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ के आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहीं पर आपको राइट साइड में लॉग इन का सेक्शन दिया हुआ है। अगर आपने इस भर्ती के लिए यहाँ पर इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉग इन सेक्शन के अंतर्गत सबसे पहले यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करना होगा, और यहाँ पर आपको कैप्चा फिलअप करना होगा, और लॉगिन करना होगा, और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना होगा। दोस्तों अगर आपने पहले से इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आप यहाँ पर अपना पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का भी लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले परमानेंट स्टेट फिलअप करना होगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और सबमिट करने के बाद में आप यहाँ से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों यहीं पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर नो का भी लिंक दिया गया है। अगर आपने पहले से इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर नो के लिंक पर क्लिक करना होगा, और यहां से रजिस्ट्रेशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें बेसिक डिटेल्स यहां पर फिलअप करनी होगी, जैसे कि यहां पर ड्यू हैव आधार, आपके पास आधार है या नहीं, यहां पर आपको येस करना होगा। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहां पर आपको आधार नंबर फिलअप करना होगा। एक बार फिर से आपको यहां पर वेरीफाई आधार नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप जैसे स्क्रोल डाउन करोगे तो यहां पर आपको नेम फिलअप करना होगा, जो आपका नेम है वो आपको यहां पर फिलअप करना होगा। उसके बाद में वेरीफाई नेम आपको यहां पर फिलअप करना होगा, फादर्स नेम आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर वेरीफाई फादर्स नेम करना होगा, एक बार फिर से रिपीट करना होगा यहां पर आपको अपने फादर्स का नेम। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको मदर्स नेम फिलअप करना होगा, इसको भी आपको रिपीट करना होगा। दोस्तों यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद में इसको फिर से आपको रिपीट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। जी हां दोस्तों, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यहां से आपको ये सेलेक्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर आपको रोल नंबर फिलअप करना होगा, जो 10th मार्कशीट में आपका रोल नंबर है। एक बार फिर से आपको रिपीट करना होगा वेरीफाई रोल नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग ईयर फिलअप करना होगा, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए 2008 यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जेंडर मेल या फीमेल, आपको वेरीफाई जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके बाद में आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी 10th लेवल की। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा, मोबाइल नंबर को आपको फिर से रिपीट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी, उसके बाद में दोस्तों वेरीफाई ईमेल आईडी करना होगा। उसके बाद में दोस्तों स्टेट या यूटी ओ परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिक डिटेल्स यहाँ पर हमने फिलअप की, बेसिक डिटेल का ये पूरा सेक्शन है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव करना होगा।
जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर सामने शो कर रहा है। उसके बाद में आपको कंफर्म की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पर आप क्लोज की टैब पर क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेना होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ओके की टैब पर क्लिक करना होगा। दोस्तों ये डिटेल जो हमने यहाँ पर पूरी फिलअप की बेसिक डिटेल्स के अंतर्गत, उसके बाद को हमको क्या करना है, इसके ऑफिशियल पोर्टल के होम पेज पर विजिट करना है। और यहाँ पर विजिट करने के बाद में आप देख सकते हो फॉरगेट पासवर्ड का लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर परमानेंट स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिलअप करना होगा, और उसके बाद में आपको सबमिट की टैब पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट की टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा और आपको ओटीपी यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद में ईमेल ओटीपी आपको रिपीट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 4993 आपको रिपीट करना होगा। उसके बाद में ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ये यहाँ पर आप जैसे ही फिलअप करोगे, उसके बाद में आपको सबमिट की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड चेंज की यहाँ पर अपडेट आ जाएगी। यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड फिलअप करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड के अंतर्गत आपको यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दे के दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर तबरेज, यहाँ पर कैपिटल टी आपको करना होगा तबरेज, और उसके बाद में यहाँ पर आप अली @ यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे 88, ऐसे आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा अपना पासवर्ड। मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी दी, आप देख सकते हो यहाँ पर ये उसका यहाँ पर उदाहरण है। इस तरह से आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करना होगा, आपका न्यू पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप ये पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही पासवर्ड फिलअप करोगे, उसके बाद में आपको सबमिट की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। जी हाँ दोस्तों, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, आपको यहाँ पर क्लोज करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से रिपीट करते हुए आपको होम पेज पर विजिट करना होगा ssc.nic.in के। और जैसे आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करोगे तो आपको लॉगिन का सेक्शन दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, राइट साइड में आप देख सकते हो लॉगिन का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करना होगा, कैप्चा फिलअप करना होगा, उसके बाद में लॉगिन करना होगा। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया, आप देख सकते हो वेलकम तबरेज आलम। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले बेसिक डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, जो कि हमने यहाँ पर फिलअप की हुई है पहले ही, आप देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नेक्स्ट का आपको यहाँ पर टैप दी गई है, इस टैप पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिलअप करनी होगी, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर सबसे पहले फिलअप करनी होगी। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि जनरल AWS, OBC, SC, ST, यहाँ पर हम OBC सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप ST जो भी कैटेगरी आपकी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। वेरीफाई कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में नेशनलिटी आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर PWDs हो या नहीं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बाकी की डिटेल्स भी आपको फिलअप करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, स्टेट या यूटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। कुछ डिटेल्स जो पहले भरी थी वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर आप जैसे ही इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर उसके बाद में परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हो सेम एज परमानेंट एड्रेस यस आपको करना होगा। अगर आपका सेम है यहाँ पर एड्रेस, आप सेम कर सकते हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट सेव करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद में आई एग्री की टैब पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट की टैब पर क्लिक करना होगा। एक बार फिर से आपके मोबाइल पर OTP आएगा, आप यहाँ पर मोबाइल OTP फिलअप करोगे, आपको OTP यहाँ पर रिपीट करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करने के बाद में सबमिट की टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको देख सकते हो यहाँ पर ओके की टैब पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज आया है कॉन्स्टेबल GD के लिए, यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पर डेट पूरी दी गई है, 31 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन करने के लिए देख सकते हो कॉन्स्टेबल GD, CAPF, NIA, SSF और राइफल GD, असम राइफल्स के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई का यहाँ पर आपको लिंक दिया गया, इस लिंक पर आप अप्लाई के क्लिक करोगे, यहाँ पर
पर आपको डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पर पहले वाली दिखा रहा है और यहाँ पर जो डिटेल्स आपसे मांगी गई है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स इसमें फिलअप करनी होगी। न्यू या चेंज नेम भी आप यहाँ से कर सकते हो। एज यहाँ पर आपको पूरी दे गई है डिटेल्स में, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट की गई है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो एक सर्विसमैन हो या नहीं, आपको नो करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रोल डाउन करते हुए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर आपको वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो आपको येस की टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आप देख सकते हो SC/ST के अंतर्गत आप देख सकते हो आर यू कैडेट कोप्स, येस या नो आपको करना होगा। उसके बाद में NCC सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं, आपको यहाँ पर नो करना होगा। स्क्रोल डाउन करते हुए आप यहाँ से प्रिफ्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर स्क्रोल डाउन करते हुए जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो देहरादून क्लिक किया, यहाँ पर देहरादून, उसके बाद में सेंटर 2 देख सकते हो, उसके बाद में रूट की सेंटर 3 में आप देख सकते हो यहाँ पर हरिद्वार आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद में स्टेट या UT डोमिसाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना होगा। डोमिसाइल यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी दी गई, स्क्रोल डाउन करते हुए यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, इसमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की पूरी जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सहारनपुर इसमें सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है पूरी डिटेल्स में, कंफर्म एक बार फिर से आपको करना होगा। उसके बाद में हैव यू मैरिड स्टेट या UT ओरिजिन अनदर या स्टेट या UT, आपको यहाँ पर यस नो नो करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर फाइंड इन योर एप्लीकेशन यस या नो, उसके बाद में यहाँ पर स्टेट या UT ओरिजिन, उसके बाद में कैंडिडेट बिलोंग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, प्रिफ्रेंस आपको देनी होगी कैंडिडेट बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यस या नो, उसके बाद प्रिफ्रेंस फॉर पोस्ट ऑफ CAPF आपको यहाँ पर प्रिफ्रेंस फिलअप करनी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको दी गई है, जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो क्या यहाँ पर आपकी हायर क्वालिफिकेशन इसमें रहने वाली है। उसके बाद में डिटेल्स क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड है, जो यहाँ पर डिटेल क्वालिफाइंग इसमें मांगी गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्टेड डिटेल्स फिलअप करनी होगी। पासिंग पास यहाँ पर आप देख 2008, उसके बाद में आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, परसेंटेज यहाँ पर आपके सामने दी गई है। और स्क्रोल डाउन करते हुए यहाँ पर फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। फोटो आप यहां पर देख सकते हो 20 से 50 KB के बीच में आपको फोटो अपलोड करना होगा यहां पर। उसके बाद में यहां पर आपको राइट साइड में सिग्नेचर, जी हां दोस्तों, यहां से आप फोटोग्राफ यहां पर अपलोड करोगे। यहां से आप जैसे ही फोटो क्लिक करोगे तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहां पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा, सिग्नेचर आप यहां से अपलोड करोगे। उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा, पूरी डिटेल्स यहां पर फिलअप करनी होगी। आई एग्री के टैब पर क्लिक करना होगा, यहां पर आपको कैप्चा फिलअप करने के बाद में प्रीव्यू चेक करना होगा, उसके बाद में आपको सबमिट कर देना होगा। ऐसे यहाँ से सिंपली आप एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करने के बाद में सिंपली ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद में आपको फीस पेमेंट करनी होगी अगर जनरल OBC से बिलोंग करते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर SC/ST सेलेक्ट करोगे तो आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होगा, प्रीव्यू चेक करना होगा और फाइनली फॉर्म आपको सबमिट कर देना होगा। ऐसे आप सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के बाद में SSC की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।